हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। जैसा कि हमने आपको हमारे कम्युनिटी में बताया था कि हम 9th क्लास का लाइफ साइंस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम यहाँ चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हुए जो भी टॉपिक है उस पर हम लोग क्लियर करते हुए जाएंगे। जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके जो दिया हुआ है वैसे हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले जीवन के आधारभूत लक्षण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम कैसे अपने आसपास में परिवेश में देखकर सजीव निर्जीव और मृत वस्तुएं हैं उनको हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, कैसे उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे सजीव, जैसे लिविंग्स हुआ, तो लिविंग में आप क्या जानते हैं कि लिविंग में हम लोग सभी शामिल हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सभी शामिल हो, जिनका आकार बड़ा हो या फिर सूक्ष्मदर्शी हो या जिनका एक लाइफ स्पैन है, लाइफ साइकिल है, वे सब सजीव हैं। या फिर जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, या फिर पेड़ पौधे हैं, चींटी हैं और जीवाणु वगैरह भी हैं, ये सब भी आपके सजीव में आते हैं। निर्जीव को या फिर नॉन लिविंग को हम क्या जानते हैं कि वे सभी वस्तुएं जिनका कोई लाइफ साइकिल नहीं होता या फिर कोई उनकी आंतरिक संरचना भी नहीं होती है, जिनके आकार वृद्धि नहीं कर सकते हैं या फिर वो अपने जैसे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ होता है। तो नॉन लिविंग्स में जैसे पत्थर का एक टुकड़ा बोलिए, मोटर कार बोलिए, ग्लास, ईंट, कुछ भी, ये सब नॉन लिविंग में आ सकते हैं। डेड थिंग्स में क्या हो सकता है कि मृत वस्तुएं जो कभी पेड़ या पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु के भाग थे, लेकिन अभी उनमें जीवन का कोई लक्षण नहीं है। जैसे एक लकड़ी है, वो सूखा सूख गया तो उसका जीवन का कोई भाव नहीं है उसमें, तो क्या है, वो मृत कहा जाएगा। ठीक है, सजीव, एक सजीव से निर्जीव किस प्रकार भिन्न है? तो निर्जीव को हम पहले जीवन क्या है ये समझ लेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है कि सजीव का एक निश्चित शेप, डिफरेंट साइज एंड शेप होता है। अच्छा, उसमें क्या हो सकता है, उसमें पोषण होता है, श्वसन होता है। पोषण किसको कहते हैं कि जैसे सभी जीव जंतु उन्हें भोजन पेड़ पौधे या फिर अन्य जंतुओं से प्राप्त होता है, उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, फिर उसका एसिमिलेट कर देते हैं और उसके बाद जितना अनपचे पदार्थ को भोजन को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये जितने भी मनुष्य वर्ग के प्राणी हैं या जीव जंतु हैं, ये इस तरह से अपने पोषण को करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे किस तरह का पोषण करते हैं, इस तरह के पेड़ पौधे इस तरह का पोषण करते हैं, पहले सूर्य की रोशनी से वो अपने जड़ों में, जिस मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं उसको अवशोषित करते हैं, जो पानी होता है उसको लेते हैं, फिर उससे वो लोग सनलाइट के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लोग लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और वो ऑक्सीजन को डिस्चार्ज करते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं। तो ये पेड़ पौधों का पोषण हुआ। उसी तरह से मनुष्य का पोषण होता है, मनुष्य अपना पोषण करते हैं और पोषण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट, वसा उनके शरीर में जाते हैं जिससे उनको एनर्जी की प्राप्ति होती है और वो काम वगैरह कर सकते हैं। बिना एनर्जी के उनको जीने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए पोषण से ही प्राप्त होता है। श्वसन, सभी सजीव क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इस ऊर्जा का उपयोग क्या करते हैं, जैविक कार्यों के संचालन हेतु करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने नाक के द्वारा श्वसन को, जितने भी जीव जंतु हैं उनका जो छिद्र बना हुआ है जिससे वो श्वसन ग्रहण कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, और सांस लेने के बाद उससे वो लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इस ऊर्जा का उपयोग क्या होता है, उनके जैविक कार्यों के संचालन हेतु होता है। उसके बाद आता है उत्सर्जन, सभी जो सजीव जितने भी जैविक क्रियाएं हैं, जो खाना पचने के बाद जो हानिकारक जो पदार्थ जो उनके शरीर में से निकलता है उसको क्या होता है, उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। जैसे उत्सर्जी पदार्थ एक्सरेटरी मैटर्स हुए, मैटर्स को मूत्र हुआ, या फिर पेड़ पौधों क्या करते हैं विभिन्न भागों में उससे संग्रह कर उसको निष्कासित कर देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक पतझड़ का मौसम, यानी कि जो बसंत ऋतु के बाद स्प्रिंग सीजन के बाद जो एक मौसम आता है उसमें पेड़ पौधे क्या कर देते हैं, अपने सारे पत्तों को गिरा देते हैं, तो वे जो अपना उत्सर्जी पदार्थ है उसी में लोग इकट्ठा करते रहते हैं और बाद में वो पत्ते पीले हो जाते हैं, जिससे कि या फिर ज़्यादा ग्लूकोज बनने के कारण, ज़्यादा ग्लूकोज बनता है तो फल मूल होने के बाद लास्ट में साल भर में, यानी एक साल के बाद पत्तों को गिरा देते हैं।
उसी तरह से हमारा जो पसीना होता है वो सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। उसी तरह से यूरिन है और भी बहुत सारे हैं जिसको हम लोग आसानी से निकाल के हमने शरीर को स्वस्थ रखते हैं और जैविक क्रियाओं को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टॉपिक क्या कि ये सब सजीव के अंदर जो है वो किस प्रकार से भिन्न होता है, उसके बारे में छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं। तो सजीवों को कैसे पहचान सकते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, लाजवंती के पौधों को, लाजवंती के फूलों को जिस तरह से यहाँ डायग्राम में दिखाया गया, पत्तों को छुएंगे तो पत्ते सिकुड़ जाएंगे। ये क्यों हुआ, सभी सजीवों के बाह्य यानी एक्सटर्नल और इंटरनल में संवेदनाओं के प्रति संवेदनशील प्रकट करने की क्षमता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं उत्तेजनशीलता कहते हैं। जैसे छुई मुई यानी लाजवंती के पौधों को छूते ही उसके पत्रक आपस में मुरझा जाते हैं, ये सब सजीव के पहचान होती है। फिर सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जैसे एक बच्चा है तो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो वयस्क बना, फिर वो बूढ़ा बना, तो ये क्या है, वो जैसे एक छोटा सा पौधा है वो छोटा सा पौधा से बड़ा पौधा बना, तो ये सब सजीवों की पहचान है। प्रजनन करते हैं यानी अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और सजीव का एक अपना लाइफ साइकिल होता है, जीवन काल होता है, सभी सजीवों को एक निश्चित जीवन काल होता है। सभी एक उसकी रचना से बच्चा वयस्क और बूढ़े होकर अंत में मर जाते हैं। फिर वो मूवमेंट और लोकोमोशन करते हैं, अपनी यहाँ वहाँ अपनी आंतरिक ऊर्जा द्वारा गति उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आत्मरक्षा या फिर प्रजनन या फिर भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते हैं। तो ये सब सजीव के कुछ पहचान है कि जिससे कि सजीव को निर्जीव के वर्ग से अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। तो जैसा कि वैज्ञानिक या फिर पर्यावरणविदों या भूगर्भ शास्त्रियों ने इसका उत्तर जानने का बहुत अथक प्रयास किया। उन्होंने कुछ कहते हैं कि गॉड ने बनाया, ठीक है, कुछ कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई मिट्टी वायु जल से आदि से हुई है, और कुछ और दूसरे जो पहले रहते थे दूसरे ग्रहों में, अब ये इस ग्रह में आके रहते हैं, पर अभी तक किसी से बहुत ज़्यादा इस बारे में अभी तक कोई बता नहीं पाया है कि पृथ्वी मतलब पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले क्यों और कैसे स्टार्ट हुआ। तो पृथ्वी चूंकि आज से 4.7 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी पर जो ऐसे जो चट्टान जो दबे हुए मिले, यानी पृथ्वी पर कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हमें जो सजीवों के अवशेष थे जिसको जीवाश्म कहा जाता है, उन जीवाश्म के अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, यानी बहुत साल पहले। तो प्रथम पृथ्वी पहले कैसी थी, पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा था, पहले क्या था ऐसा पृथ्वी में, और पृथ्वी कैसे धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव हुआ। तो पृथ्वी के सूर्य के समान जलती हुई वाष्प का एक गोला थी, जिस तरह की हमें सूर्य दिखते हैं पूरा ब्राइट, उसी तरह से एक बार पृथ्वी भी थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसमें उपस्थित जो पदार्थ थे, जैसे अभी भी हैं उसमें उपस्थित पदार्थ हमारे भूमि खनन से हमें मिलता है, लोहा निकेल प्लेटिनम आदि, सब केंद्र की तरफ थे। अपेक्षाकृत कम हल्के वाले जो पदार्थ थे ये सब भारी थे तो केंद्र की तरफ थे, और जो इससे भी हल्के थे वो सिलिकॉन अल्मोनियम ये सब मध्य की तरफ थे, और उससे भी हल्के पदार्थ थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सबसे ऊपर की तरफ विस्थापित होते गए, यानी एक दूसरे से ऊपर की तरफ एक लेयर में बनते चले गए। उसके बाद क्या हुआ, इसके इन इन हल्के पदार्थों से पृथ्वी के चारों ओर क्या हुई, वायुमंडल की रचना हुई। पृथ्वी के प्रचंड ताप के कारण ये सब आपस में संयुक्त नहीं हो पाते थे, अब इनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था तो ये एक दूसरे में ये लोग मिल नहीं पाते थे, अथवा संयुक्त होने पर भी अत्यधिक ताप के कारण विघटित हो जाते थे। अब ये लोग एक दूसरे से युक्त हुए और उसके बाद एक काफ़ी एनर्जी रिलीज हुआ जिससे कि ये लोग फिर से टूट जाते थे। लाखों वर्ष बाद पृथ्वी के ठंडा होने के कारण ये जो स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर क्या बनाए, जल बनाए, अमोनिया बनाए और कार्बन मीथेन बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब यौगिक का निर्माण हुआ। जस्ट लाइक ऐसे थी हमारी पृथ्वी जैसा कि हम इस डायग्राम में देखेंगे, कुछ इस तरह की पृथ्वी थी हमारी कि जब स्टार्टिंग में जब पृथ्वी था तो वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की रचना थी पृथ्वी की, तो ये इस तरह के काफ़ी जलता हुआ था हिस्सा, जैसा कि बाद में ठंडे होने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी हमारी ऐसी बनती गई। ठीक है,
अब निर्जीव पदार्थ से जीवन की रासायनिक उत्पत्ति कैसे हुई? केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की पूर्वज प्रीबायोटिक अथवा छोटे सरल कार्बनिक अणु जैसे अमीनो अम्ल हुआ, शर्करा हुआ, वसा अम्ल हुआ, ये सब एवं न्यूक्लिक अम्ल हुआ, ये सब संश्लेषण में सहायक सिद्ध हुआ। इनकी रचना मीथेन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल इत्यादि, ये क्या हुए, बायोमोलिकल्स के सहायता से हुई। ये सब अलग अलग, जैसे ये सब यौगिक बने। ये जैविक अणु समुद्र के जल में संग्रहित होते गए। ये जितने जैविक अणु थे वो लोग समुद्र के जल में संग्रहित होते गए। तो पृथ्वी पर तीन भाग में जल हो गया और एक भाग में इसके चारों ओर वायुमंडल का निर्माण हो गया। पृथ्वी के इस अवस्था को विद्वानों ने पेंजिया नाम दिया। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि पेंजिया किसको कहते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर बायोमोलिकल्स की रचना हुई, जिसमें कौन कौन से गैसें शामिल थी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब बायोमोलिकल्स के कारण ये लोग समुद्र के जल में, ये जैविक अणु समुद्र के जल में संग्रहित होते गए। मतलब समुद्र का जल बनता गया और पृथ्वी पर तीन भाग में जल और एक भाग स्थल के साथ साथ इसके चारों ओर वायुमंडल का निर्माण हो गया। इसी को ही पेंजिया कहा जाता है। समुद्र के जल में मिश्रित इन जैव अणुओं को वैज्ञानिक JBS हाल्डेन ने गर्म तनु रस या कार्बनिक रस, हॉट डायल्यूट सोप या फिर ऑर्गेनिक सोप कहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सोप किसने कहा है, JBS हाल्डेन जो साइंटिस्ट थे वे बताएं हमें कि इसको हॉट डायल्यूट सोप या फिर ऑर्गेनिक सोप भी कहा जाता है। छोटे छोटे सरल कार्बनिक जैव अणुओं के आपस में संयुक्त होने की यानी पॉलीमराइजेशन से बड़े बड़े जटिल जैव अणु माइक्रो बायोमोलिकल्स बनते गए। जैसे कि कई प्रकार के अमीनो अम्ल से प्रोटीन, वसी अम्लों से वसा, शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ। यानी कि हम क्या जानते हैं कि छोटे छोटे जो सरल थे वो कार्बनिक जैव अणु आपस में बड़े बड़े पॉलीमराइज हो गए, संयुक्त हो गए, और फिर जटिल जैव अणु जैसे कि कई अमीनो अम्ल से प्रोटीन बना और वसीय अम्ल से वसा बना, शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ। जब बड़े जैव अणुओं का पृथ्वी की दाब, ऊष्मा और समुद्र के जल में जब पुनः संयोग हुआ यानी पुनः ये लोग मिले, तब न्यूक्लिक अम्ल यानी DNA और RNA के प्रमुख अवयव प्यूरिन या पिरिमिडिन का निर्माण हुआ। इसके पश्चात जीवन गठन एवं पोषण के सहायक पदार्थ पॉलीसेक्राइड्स में क्या आते हैं, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक अम्ल आदि का गठन हुआ। अब हमें कहा जा रहा है कि पहले जो निर्जीव जो पदार्थ थे उनसे इतना कुछ बना हमारे पास। जैसे देखिए यहाँ पर हमें बता रहा है ना, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बना, वसी अम्ल से वसा बना, शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, और पृथ्वी के जैव अणु जैसे कि काफ़ी ज़्यादा पृथ्वी की दाब, ऊष्मा और समुद्र के जल में फिर से ये लोग संयोग किए, मिले, तो फिर क्या बना, DNA की रचना हुई और उसके बाद RNA की रचना हुई। एक मनुष्य या फिर किसी भी जीव का DNA होता है, RNA होता है, जिससे कि यहाँ पर और जो सहायक जो पदार्थ होते हैं पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक अम्ल का गठन हुआ। उसके बाद प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल के संयोग से क्या बना, न्यूक्लियोप्रोटीन का गठन हुआ, जैसे कि जिससे प्रोटोवायरस या फिर ये कोकावायरस, तो प्रोटोवायरस का संश्लेषण हुआ और प्रोटोवायरस से वायरस या विषाणु का निर्माण हुआ। तो इस विषाणु अकोशिकीय एवं सजीव निर्जीव के बीच को कड़ी माना गया पहले, या फिर सजीव या फिर निर्जीव, जैसे वायरस होते हैं ना, ये कंडीशन आने पर फिर ये लोग वापस आ जाते हैं, उसी तरह से सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को ही क्या माना जाता है, वायरस का नाम दिया गया है। ठीक है, तो प्रोटोवायरस से वायरस या विषाणु का निर्माण हुआ। यह विषाणु अकोशिकीय एवं सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया। इसके चारों ओर क्या थी, अर्धपरागम्य झिल्ली थी एवं परासरण, ओस्मोसिस और कुछ एनाबोलिक एक्टिविटीज़ भी होती थी, जैसे कि अमीनो अम्ल की कड़ी का संश्लेषण, न्यूक्लियोटाइड कड़ी का निर्माण, बडिंग या फिर गुणन या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इनसे क्या हुआ, धीरे धीरे ये लोग चेन के रूप में आगे बढ़ते गए। इससे प्रारंभ में
स्फीरल्स या फिर माइक्रोस्फीयर कहा गया, और इसी से ही पृथ्वी का प्रथम जीव माना गया, इसे ही पृथ्वी का प्रथम जीव माना गया। ठीक है, तो पृथ्वी का प्रथम जीव किसको माना गया? जो वायरस था उसी को ही पृथ्वी का प्रथम जीव माना गया, वो क्योंकि सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी थी और इनका अमीनो अम्ल की कड़ी का संश्लेषण, न्यूक्लियोटाइड कड़ी यानी कि चेन का निर्माण और बडिंग और गुणन मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो इससे ही प्रारंभ में स्फीरल्स या माइक्रोस्फीयर कहा गया और इसे ही पृथ्वी का प्रथम जीव माना गया। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में कोशिका, प्रारंभिक कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई? ऑरिजिन ऑफ प्रिमिटिव सेल और प्रोटोसेल। तो जीव की उत्पत्ति के अगले चरण में वायरस के आदि के कोशिका युक्त यानी कि कोशिका युक्त यानी कि जीवाणु का गठन हुआ, जिससे कि अभावीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर अलैंगिक विभाजन भी होता था। बाद में जीवाणु से प्रोटोजोआ का गठन हुआ अप्रथम जीव के रूप में या प्रथम जीव के रूप में सागर में, यानी कि आप ये समझिए कि बाद में जीवाणु से प्रोटोजोआ का गठन हुआ था जो प्रथम जीव के रूप में हुआ था। ठीक है, पहले वायरस, उसके प्रथम जीव के रूप में प्रोटोजोआ का गठन हुआ। सागर के जल में पोषक पदार्थों की कमी के कारण कोशिकाओं में क्लोरोफिल का निर्माण हुआ, उसके बाद से इनमें क्लोरोफिल का निर्माण हुआ। इन क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं से स्वपोषी यानी एट्रोट्रॉपिक पौधों का निर्माण हुआ, यानी स्वपोषी जो पौधे थे वो अपने इससे बने क्लोरोफिल युक्त जो स्वपोषी पौधे थे। उसके बाद से क्या हुआ कि इसमें भोजन संश्लेषण की स्वतः प्रवृत्ति का विकास हुआ, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त होने लगी, यानी कि ऑक्सीजन निकलने लगी। अतः ऑक्सीजन की सृष्टि से एनारोबिक रेस्पिरेशन युक्त एक कोशिकीय जीव का उदय हुआ। पहले एक कोशिकीय जीव आया, वे कोशिकाएं जो क्लोरोफिल का संश्लेषण नहीं कर सकी वे हेटरोट्रॉपिक रह गईं, जिससे जंतुओं का निर्माण हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम क्लोरोफिल का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं तो हम लोग हेटरोट्रॉपिक में आते हैं, जंतुओं का निर्माण हुआ। पुनः एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव का उत्पन्न होने लगा, इससे यह क्रम धीरे धीरे बढ़ते गया। धीरे धीरे युगों के फलस्वरूप क्रमशः जटिल से जटिलतम जीवों का और फलस्वरूप उन्नत पौधों और जंतुओं का गठन हुआ। तो हम क्या जानते हैं कि सबसे पहले जो प्रथम जीव जो हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ? समुद्र से ही निकला, समुद्र से ही बना। समुद्र से क्यों बना वो आपको अब मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि समुद्र से ही क्यों बना। ठीक है, अब लोग जानेंगे कि प्रारंभिक जीवन के रूपों में की उत्पत्ति की रूपरेखा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कर पूरी अच्छी तरह से जानेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे और भी प्रारंभिक जीवन के रूपों की उत्पत्ति की रूपरेखा के बारे में और अच्छे से डिटेल से हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो क्या कहते हैं जीवाणु, पुष्पीय पौधे क्या हैं, थैलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, ये सब जानेंगे और इसे और भी अच्छा नॉलेज हमें मिलेगा। ठीक है, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों को लाइफ साइंस जिनको जो हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे वे सब उनको तुरंत से मिलें और वो जो स्टार्टिंग में अभी 9th क्लास में आए हैं उनको अच्छे से जानकारी होती रहे। तो हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।